आजमगढ़ में बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में बुधवार को रिक्शा स्टैंड पर धरना प्रदर्शन और जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बीएड अभ्यर्थीगण शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को जोरदार ढंग से उठा रहे थे। छात्रों ने रिक्शा स्टैंड से जुलूस निकालकर अग्रसेन चौराहा, कुंवर सिंह उद्यान, गांधी तिराहा होते हुए रैदोपुर स्थित भगत सिंह प्रतिमा से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से पीएम और एनसीटीई अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा। उन्होंने एनसीटीई में नया संवैधानिक गजट संशोधन का अध्यादेश लाकर देश के करोड़ों बीएड छात्रों को पीआरटी में पुनः योग्य मानकर शामिल किए जाने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि हमने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी हुए भारत के राजपत्र के अनुसार ही बीएड की डिग्री हासिल कर रहे हैं। उक्त राजपत्र में साफ शब्दों में कहा गया था कि बीएड 2 वर्षीय डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य होंगे। राजपत्र को देखकर ही छात्रों ने 2 वर्ष लगाकर बीएड पूरा किया, लाखों रुपए फीस भरा, यूपीटीईटी व सीटीईटी उत्तीर्ण कर शिक्षक बनने की सभी अहर्ताओं को पूरा कर लिया। अब हम शिक्षक बनने के बजाय अयोग्य घोषित हो रहे हैं, ऐसे में हम क्या करें। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। 11 अगस्त को आए निर्णय से ही हम जान पाए कि एनसीटीई ने हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए हमारे सवाल सिर्फ एनसीटीई व भारत सरकार से हैं कि देश के करोड़ों छात्र जिन्होंने गजट पर भरोसा कर बीएड किया है और वर्तमान समय में कर रहे हैं, तो आखिर उनका गुनाह क्या है। जब बीएड छात्रों ने यूपीटीईटी व सीटीईटी पास करते हुए केंद्रीय विद्यालय बिहार शिक्षक भर्ती तथा अन्य राज्यों की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए, लेकिन आज उन्हें नौकरी देने के बजाय बाहर करने की कार्रवाई की जा रही है। देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड छात्रों के मौलिक अधिकार व गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है? देश के राजपथ पर भरोसा करने से हम अपराधी कैसे हो गए? हमारी मांग है कि एनसीटीई में नया संवैधानिक गजट संशोधन का अध्यादेश लाकर देश के करोड़ों बीएड छात्रों को भी पीआरटी में पुनः योग्य मानकर शामिल किया जाए। मेरा नाम राहुल विद्यार्थी है और बीएड छात्र हूं मैं। 1921 में हमने बीएड किया है। और बीएड क्यों किया? क्योंकि भारत सरकार ने 28 जून 2018 को गैजेट बनाया। उस गैजेट में साफ साफ यह लिखित किया था कि जो 2 साल का बीएड कर लेगा वह प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होगा। उसी के आधार पर हमने बीएड किया और उसके बाद हमने टेट सी टेट जो भी सरकार का गाइडलाइन हमने फॉलो किया, तमाम देश की जो भी भर्तियाँ हैं उसमें हमने वैकेंट हमने पोस्ट किया, रजिस्ट्रेशन कराया और एग्ज़ाम भी दिया। केंद्रीय विद्यालय का हमने एग्ज़ाम दिया था फरवरी में, अभी बीपीएससी का हालिया एग्ज़ाम हुआ है उसको हमने दिया। आज अचानक से फैसला आता है 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड अभ्यर्थी तो पीआरटी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। भारत सरकार का राजपत्र गलत है, वह इलीगल है। अब सवाल है कि देश के छात्र ही इलीगल हैं क्या? हम बीएड छात्र जो भारत सरकार के राजपत्र पर भरोसा करके बीएड करते हैं, हम अपराधी हैं क्या? हमें क्यों सजा दी जा रही है? इसी सवाल को लेकर हम यहाँ आ जाए हैं और आज यहाँ प्रोटेस्ट चलेगा, बिल्कुल डेमोक्रेटिक पीसफुली प्रोटेस्ट चलेगा। आपसे गुजारिश है कि आपके माध्यम से हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। सरकार ने राजपत्र जारी किया, हमने बीएड किया। सरकार ने बोला सीटेट पास कर लो, हमने सीटेट पास किया। सरकार ने बोला यूपीटेट पास कर लो, हमने यूपीटेट पास कर लिया। सरकार ने बोला एप्लीकेशन डाल दो भर्ती का, हमने उसमें भी डाल दिया। अब जब एग्जाम दे दिया, अब जब भर्ती की, अब हमें भर्ती करने की बारी है, हमें बाहर किया जा रहा है। सवाल है कि हम गुनाहगार कैसे हैं, हमें सजा क्यों? इसी एक मांग को लेकर हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं, आप हमें फिर से अध्यादेश लाकर बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में एलिजिबल बनाए। हमारा देखिए, हमें इसको नहीं पता, हम छात्र हैं, इस पछड़े में नहीं जानते। हम लाखों रुपए की तनख्वाह नहीं उड़ाते हैं। एक एनसीटी उसकी संस्था है जो देश भर के टीचरों की नियुक्ति के मामले में कानून बनाती है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको कैसे बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल करना है, उन्होंने कैसे शामिल किया था और कैसे करना है, उस मामले को भारत सरकार और एनसीटी समझे। हमारा बस है कि हमें बीएड में बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल करना ही होगा, क्योंकि हम बेगुनाह हैं। हमने 2 साल वक्त का जाया किया है, हमने 3 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे, हमने लाखों रुपये बर्बाद किया है, इसलिए हमारे भविष्य को चौपट किया जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार कहीं ना कहीं कमी आप बता रहे हैं सरकार की, तो आगे आने वाली चुनाव में आप या आपकी जो भी है। देखिए, हम तो छात्र हैं और शिक्षक बनने जा रहे थे। सवाल है कि अब हमारे साथ ही गलत होगा जो देश की बुनियाद को जो शिक्षक बनाता है उस भविष्य के साथ ही खिलवाड़ होगा, तो हम चुप तो नहीं रहेंगे। हम तो अपना जो भी डेमोक्रेटिक पीसफुली जो संवैधानिक तरीका हमको मिला है
उन तमाम तरीकों से हम सरकार को मजबूर बनाएंगे कि आपको नया अध्यादेश लाकर, नया गैजेट संशोधन लाकर बीएड को पीआरटी में शामिल करना ही होगा। हम तमाम तरीके अपनाएंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।